तो कॉर्ड बनाने के लिए आपको चाहिए दो या दो से ज़्यादा नोट्स. अगर आप उनको कंबाइन करते हैं वी कॉल देम ट्रायोड्स. एंड साउंड बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी ग्रैंड पियानो का. ग्रैंड पियानो इज़ अ वेरी कॉमन साउंड, या आप प्लग इन कह लीजिए, हर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलता है. तो उससे स्टार्ट करेंगे एंड देन बाद में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कैसे उसको और इंटरेस्टिंग बनाना है वगैरह वगैरह. दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे. पहला हम क्रिएट करेंगे एक बेस लाइन. तो पिछले वीडियो के अंदर जो हमने 808s यूज़ किए थे वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप 808s को यूज़ करते हैं एंड देन हाउ यू मैनिपुलेट देम, मेक देम इंटरेस्टिंग. आज के इस वीडियो में हम उनको म्यूट कर देंगे एंड देन वी विल क्रिएट अ न्यू बेस लाइन. सो दिस इज काइंड ऑफ अ रिवर्स इंजीनियरिंग, जहाँ पे अगर आपको कॉर्ड बनाने में डिफिकल्टी होती है तो यू कैन स्टार्ट विद द बेस एंड देन मेक कॉर्ड्स आउट ऑफ इट. आप अगर पहले कॉर्ड्स अच्छे बना लेते हैं देन यू कैन मेक बेस आउट ऑफ इट, डिपेंड्स. तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रीव्यू सुनाता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में कौन सी बीट क्रिएट की थी एंड देन वी विल म्यूट सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो कि एडिशनल थे और उसके बाद इसके अंदर हम कॉर्ड्स क्रिएट करेंगे. सो ये बीट हमने क्रिएट की थी वीडियो नंबर 5 में सीरीज़ के. आज इसमें से मैं काफ़ी सारी चीज़ों को म्यूट करने वाला हूँ. सो उनमें से जो पहली चीज़ है वो है 808. जैसा कि मैंने बताया कि वी विल यूज़ अ न्यू बेस लाइन. आई विल म्यूट दिस अपीजिएटर एंड म्यूट दिस साइलेंट वन अपीजिएटर ऑल्सो. इनिशियली मैं इस ब्रास के साउंड को भी म्यूट कर लेता हूँ. सो हमारे पास ले दे के जो बचता है वो है ये सिंपल प्लेन बीट, कुछ नहीं है इसके अंदर. सो अब इसके अंदर हम एक बेस लाइन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. सो बेस लाइन के लिए मैं यूज़ करूँगा डिफ़ॉल्ट साउंड्स. एबल्टन के अंदर अगर आप हैं तो आपको मिलती है ऑर्गन बेस. आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स में जाइए एंड देन यू कैन सर्च फॉर ऑर्गन बेस. बेसिकली इस टाइप की बेस यूज होती है डीप हाउस म्यूजिक में. सो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ. सो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक अ डिफरेंट बेस लाइन देन योर रेगुलर वन जो भी आप यूज़ करते हैं. तो ट्रैप म्यूजिक को और थोड़ा इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ऑर्गन बेस. आपके पास कोई भी दूसरी टाइप की बेस है यू कैन यूज़ दैट. सो दो तरीके हैं बेस लाइन क्रिएट करने के. पहला जो तरीका होता है वो है कि आप जो है स्केल ड्रॉ कर सकते हैं अपना. अगर आप FL स्टूडियो में हैं तो आपको इस तरह की कुछ लाइनें या स्केल वहाँ पर मिल जाता है. नॉर्मली वी क्रिएट ऑल दी कॉर्ड्स इन द माइनर स्केल बिकॉज दोज आर डार्क प्लस सैड. तो मैक्सिमम ट्रैप म्यूजिक या हिप हॉप म्यूजिक के अंदर हम उसी टाइप के कॉर्ड्स को यूज़ करते हैं, आई मीन इन द माइनर स्केल्स. तो मैं यहाँ पर एक स्केल का बटन होता है, अगर आप एबल्टन में अगर आप इसको क्लिक करते हैं देन यू गेट दिस नाइस एंड क्लीन विंडो जहाँ पर आप अपने कॉर्ड्स को आँख बंद करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी नोट डालेंगे वो कहीं भी गलत नहीं जाएगी. दैट विल बी इन योर स्केल. सो इनफ आई थिंक फॉर एबल्टन. जो लोग एबल्टन को यूज़ नहीं करते या जिनको पसंद नहीं है, सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ करता हूँ एबल्टन की समटाइम्स. सो आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग ए बेस लाइन. सो बेस लाइन बनाने के लिए जैसा मैंने बताया, या तो आप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं जैम अपने मिडी कीबोर्ड के ऊपर. आप अपना मिडी कीबोर्ड में यहाँ पर नहीं उठा पा रहा हूँ बिकॉज ये नहीं आएगा, इसकी फायर छोटी है. तो आई विल ट्राई टू जैम समथिंग ऑन इट एंड देन हम उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे फटाफट से. सो लेट्स बिगिन. सो दिस इज ऑर्गन बेस. जिन्होंने पहले इसका साउंड नहीं सुना और अगर आपने डीप हाउस के ट्रैक सुने हैं तो यही वाली बेस यूज होती है. कुछ फास्ट सा क्रिएट करते हैं बिकॉज ये बीट के अंदर जो हाई हैट के रोल्स चल रहे हैं दे आर रियली रियली फास्ट. तो इसके ऊपर अगर आप कोई फास्ट रैप लिख सकते हैं या बना सकते हैं देन दैट विल बी ओके. तो मैं कुछ इसी के ऊपर थोड़ा एक मोमेंट वाली बेस ट्राई करता हूँ. नाइस. ओके, तो इसको हम क्विकली जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मैं ज़्यादा जैम करने की तरफ जाऊँगा तो नए नए आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे. सो आई विल क्लिक ऑन दिस बटन विच इज़ कॉल्ड मिडी लर्न बटन इन एबल्टन लाइव. और ये जो भी मैं अपने मिडी कीबोर्ड के ऊपर हरकतें कर रहा था, जो भी मैं रैंडमली कुछ नोट्स को प्ले कर रहा था, सब रिकॉर्ड हो जाता है एंड देन यू गेट दिस नाइस एंड क्लीन सॉर्ट ऑफ बेस लाइन जो हमने अभी प्ले की. अब यहाँ पर ये क्वांटाइज नहीं है ऑफ कोर्स. सो व्हाट आई कैन डू इज़ कंट्रोल ए एंड कंट्रोल शिफ्ट यू अगर मैं प्रेस करता हूँ. सो यू हैव दिस नाइस ऑप्शन जहाँ पर आप इसको क्वांटाइज कर सकते हैं 1/4, 1/16, 180 पर. मैं इसको 1/16 पर रखूँगा एंड देन हिट
ओके, सो मेरे सारे नोट जो हैं वो क्वांटाइज हो जाते हैं, जो नहीं हुए होंगे उनको हम मैनुअली कर लेंगे. सो लेट्स प्ले इट. सो ये नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा और पीछे लाएंगे. ओके, ये यहाँ पर आना चाहिए एंड देन इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, सो विल कॉपी एंड पेस्ट फ्यू ऑफ द नोट्स एंड देन कंट्रोल ए कंट्रोल यू शुड बी ओके नाउ. सो ये आप कहेंगे कि यार ये तो हिप हॉप जैसा, मतलब सॉरी ट्रैप जैसा लग ही नहीं रहा, ये तो बहुत फास्ट मूवमेंट है. सो वही तो खेल है मेरे भाई और बंधुओं की, इसको डिफरेंट बना रहे हैं. हम बात कर रहे हैं ट्रैप म्यूज़िक मूवमेंट की. तो जितना आप इसको हिप हॉप टाइप का बनाएंगे, जैसा कि मैंने बताया कि कोई रूल नहीं है, जो जो चीज़ें मार्केट में आती गई, लोगों को अच्छी लगती गई, उनको नोट्स में लिख दिया गया, गूगल पर सारे प्रोड्यूसर्स ने उनको सिखाना शुरू कर दिया. तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसमें फास्ट बेस नहीं लगा सकते, स्लो बेस नहीं लगा सकते. ट्राई कीजिए, कुछ अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली पब्लिक विल लव इट. सो ये है हमारी फर्स्ट बेस लाइन. अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर एक सस्टेन्ड बेस लगाऊंगा. सस्टेन्ड बेस का मतलब होता है लाइक जो बेस बहुत ही स्लो ट्रेवल करेगी एंड देन लंबी होगी. तो उस बेस के लिए सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं रीज बेस. नाउ रीज बेस के लिए मैंने यहाँ पर अपना एक प्रीसेट यूज़ किया है जो कि है सीरम का. मैं इसको हमेशा यूज़ करता हूँ अपने ट्रैक्स में. तो अगर आपके पास रीज बेस है, या आप गूगल कर सकते हैं हाउ टू मेक रीज बेस, तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे. आई विल नॉट टीच यू कि ये बेस कैसे डिजाइन करनी है, दैट इज़ अ साउंड डिजाइनिंग पार्ट. वी विल टॉक अबाउट इट सम टाइम लेटर, पर फॉर नाउ मैं इस बेस को यूज़ करने वाला हूँ. एंड देन उसके लिए वट आई कैन डू इज सिंपली कॉपी माई प्रीवियस बेस एंड देन उसमें से हम कुछ नोट्स निकालने की कोशिश करेंगे इस बेस के अंदर. सो ये जो बेस है, ये बेसिकली मैं आपको पहले इसको ना सुनाता हूँ कि कैसी लगती है. तो बहुत ही ठहराव वाली बेस है ये. इसको यूज़ करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे. यहाँ से सेम नोट्स हैं जो मेरे ऊपर वाले बेस में थे, तो इसको लंबा ही खींच लेंगे. मतलब एक ही नोट के ऊपर आप ले जाएंगे इसको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज़ जस्ट गिविंग यू द लो एंड. और यहाँ पर हम इसको मे बी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर, एंड देन ये नहीं अच्छे लग रहे, इसको थोड़ा सा ये, एंड देन इसको उप्स, एंड देन इसको यहाँ पर. आई एम जस्ट ट्राइंग सम रैंडम थिंग्स, हाँ डोंट जज मी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और वैसा क्यों कर रहा हूँ. इट्स लाइक हिडन ट्रायल, जो अच्छा लगेगा हम उसको रखेंगे, बट आप फॉलो कर सकते हैं ये मेथड. मुझे अच्छा लगता है ऐसे कुछ रैंडम चीज़ें करना. और वी कैन डू वन मोर थिंग, लेट्स कीप इट म्यूटेड. मतलब इसको हम बाद में आएंगे इसके ऊपर, सबसे पहले ना हम कॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो इज़ अबाउट कॉर्ड्स. सो सबसे पहले हम कॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं. इसको फॉर द टाइम बिंग मैं यहीं पे ऐसे ही रहने देता हूँ. तो कॉर्ड क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अगेन अपने बेस लाइन को कॉपी कर लिया एंड देन बेस लाइन से हम कॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. और यहाँ पर कॉर्ड के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपल पियानो का साउंड, ग्रैंड पियानो फ्री आता है हर DAW के अंदर. तो हम इसको क्या करेंगे, एक नोट एक ऑक्टेव ऊपर लेके जाएंगे. तो इतना मूवमेंट नहीं चाहिए होता है कभी भी पियानो के अंदर, आप पियानो को हमेशा सस्टेन्ड फील देते हैं. ओके, मे बी वी कैन ट्राई दिस. उसके बाद सेम सस्टेन्ड नोट्स आगे तक एंड देन. ओके,
नाउ इनको हम एक ऑक्टेव और ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, देन सी ओके नीचे ले आते हैं. एंड देन द इजीएस्ट वे टू मेक अ कॉर्ड इज एक नोट छोड़िए उसको कॉपी कर दीजिए, देन एक नोट छोड़िए एंड देन ऊपर कॉपी कर दीजिए सेम चीज को. अब आपको लगेगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसे स्केल बटन के ऊपर क्लिक किया हुआ है. ये विंडो ए बटन के अंदर मिलती है, आई थिंक बाकी डी डब्ल्यूज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता. अगर नहीं भी होता है तो यू कैन सिंपली कॉपी ऑल एंड देन पेस्ट एक नोट छोड़ के. तो मैं यहाँ पर इनको ऐसे कॉपी कर लूँगा एंड देन लीव वन नोट पेस्ट, लीव वन नोट एंड पेस्ट. तो मेरे पास यहाँ पर एक स्टैक आ गया कॉर्ड्स का जिसको हम बोलते हैं ट्रायड्स. अभी ये देखिए कुछ नोट्स ना आगे पीछे कॉपी हो गए थे, नाउ दे आर फाइन. अब क्या है कि इसको मैं चाहूँ ना, अगर इसमें मैंने 4/4 की बीट ऐड कर दूँ ना तो ये डेफिनेटली एक हाउस म्यूजिक बन सकता है, पर वी विल नॉट डू दैट. अब क्या करेंगे कि इनका जो सेंटर वाला नोट है ये वाला, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे शिफ्ट एक ऊपर एंड देन सबको करना है कॉपी कंट्रोल से फिर से कॉपी करके एंड देन एक ऑक्टेव ऊपर. सो क्विकली इन नो टाइम वी हैव स्टैक कॉर्ड्स जिनको हम बोलते हैं कि भरे हुए कॉर्ड जिसमें फील आती ज़्यादा, राइट. ऑलराइट, इसको बीट के साथ एक बार प्ले करके देखते हैं कैसा लग रहा है. ये वाला जो सेकंड नोट है इसको छोटा रखेंगे क्योंकि इतना लंबा अच्छा नहीं लग रहा. और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इनकी वेलोसिटी को थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि ऐसा ना लगे कि कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल है. अगेन सबको सेलेक्ट करना है एंड देन लेट्स ट्राई टू अब क्या करना है कि वेरी इम्पॉर्टेंट, आप इनिशियल सारा पार्ट यहाँ से इनका जो है वो कट कर देंगे यूजिंग EQ ताकि इसको ना हम सॉरी ओल्ड स्कूल टाइप की एक फील दे सकें. तो मैं इसको सोलो करूँगा. एंड देन लेट्स ऐड सम रिवर्ब and then let's play it now. थोड़ा सा और हम भी इसको म्यूट करके देख सकते हैं बिकॉज ज़्यादा मूवमेंट लग रही है. try to mute this also. ओके ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है कॉर्ड्स के अंदर. सो वी हैव कॉर्ड्स, वी हैव अ न्यू बेस लाइन एंड देन लेट्स ट्राई टू मेक अ रीज बेस. सो रीज बेस का सबसे आसान तरीका बनाने का है आप जो ऊपर वाले नोट्स थे या जो भी आपके कॉर्ड्स थे उनको कॉपी कर लीजिए एंड देन उसका सबसे लोअर नोट हमने रखना है, बाकी सब यहाँ से हम डिलीट कर देंगे लाइक दिस. डिलीट एंड डिलीट. तो इसको हम एक नोट रखेंगे यहाँ तक सिंगल ऐसे एंड देन लेट्स गिव इट अ मूवमेंट हियर और चेंज हियर एंड देन इसको यहाँ तक एंड देन लेट्स हियर इट. सो दिस इज जस्ट टू गिव इट अ लो एंड. इसको एक ऑक्टेव नीचे ट्राई कर सकते हैं. सो एक ऑक्टेव और नीचे कर लिया एंड देन कॉपी एंड पेस्टेड इट. नाउ वी हैव दिस, एवरीथिंग टुगेदर साउंड्स लाइक दिस. अभी क्या है कि इनके ऊपर साइड चेनिंग नहीं है, सो वी कैन कॉपी द कंप्रेसर जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हाउ टू मेक अ साइड चेन क्विकली इन एबल्टन एंड देन वी विल पेस्ट इट ओवर हियर on our bass and chords. तो इसको थोड़ा सा इसको यहाँ से threshold को कम कर देंगे.
यू आर फ्री टू चूज दिस साउंड्स. मैंने यहाँ पर सिंपल ग्रैंड पियानो का साउंड यूज़ कर लिया है. यू कैन यूज़ मे बी डिफरेंट पैड्स, डिफरेंट कीज और कोई इंस्ट्रूमेंट सिंथ. तो इस तरह से हम कॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं. देन वी क्रिएटेड अ न्यू बेस लाइन. एक्चुअली टू बेस लाइन्स हमने बनाई और अगेन कोई रूल नहीं है. आप एक बेस लाइन बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा कीजिए, किसी को फॉलो मत कीजिए. सो दिस वाज अ बेसिक ट्यूटोरियल कि किस तरह से हम चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको पता लगा होगा कि किस तरह से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे. एंड देन बाकी के पांच वीडियोस के अंदर मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है. तो आप उनको फॉलो कीजिए एंड देन कम बैक टू दिस वन सो यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट इट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट मे बी हाउ टू क्रिएट अ मेलोडी. आई हैव नॉट चेक माई लिस्ट. आई नीड टू सी के नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं. पर दिस इज इट फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं सो अगेन थैंक यू सो मच. एंड मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे इस सीरीज़ में अगले टॉपिक के बारे में. सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड गुड बाय. नमस्कार.